अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस, पेज नंबर है 15। एल्गोरिदम। स्टडिंग एल्गोरिदम्स इज़ अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। एल्गोरिदम को स्टडी करना कंप्यूटर साइंस का बुनियादी हिस्सा है। इन दिस सेक्शन वी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ एल्गोरिदम्स इन डिटेल। इस सेक्शन के अंदर हम एल्गोरिदम्स के कंसेप्ट को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, यानी कि स्टडी करेंगे। डेफिनेशन, सबसे पहले देखेंगे एल्गोरिदम की डेफिनेशन क्या होती है। एन एल्गोरिदम इज़ अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक एल्गोरिदम सेट ऑफ स्टेप्स का नाम है, यानी कि स्टेप्स के सेट का नाम है मसले को हल करने के लिए। इट इज़ रिटन इन अ नेचुरल लैंग्वेज। इसको नेचुरल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। लैंग्वेजेस दो किस्म की होती हैं, या तो नेचुरल लैंग्वेज होती है या फिर आर्टिफिशियल लैंग्वेज होती है। जो नेचुरल लैंग्वेज होती है इसके अंदर उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, पश्तो, इस तरह की लैंग्वेजेस आ जाती हैं जो हम इंसान बोलते हैं। इसके बिल्कुल बरअक्स जो आर्टिफिशियल लैंग्वेज होती है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। जैसे कि मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं, बेसिक एक लैंग्वेज है, उसके अलावा सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज है, जावा एक लैंग्वेज है, ये सारी आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस हैं। सो इट इज़ ईजीली अंडरस्टैंडेबल बाई ह्यूमन्स, ताकि एक ह्यूमन, एक इंसान उसको बआसानी समझ सके। एल्गोरिदम को नेचुरल लैंग्वेज में इसलिए लिखा जाता है ताकि एक ह्यूमन उसे बआसानी समझ सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्रिपेयरिंग टी। मिसाल के तौर पर हमने एक प्रॉब्लम है कि हमने चाय बनानी है। वी कैन फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स, हम इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट, टेक अ कैटल, कैटल लेंगे, पोर वाटर इन इट, फिर उसके अंदर पानी डालेंगे, पुट द कैटल ऑन फायर, फिर हम क्या नाम है उसको चूल्हे के ऊपर रखेंगे कैटल को, ऐड शुगर एंड मिल्क, फिर उसके अंदर हम शुगर डालेंगे, मिल्क डालेंगे, वेट टिल इट बॉयल्स, फिर हम इंतज़ार करेंगे तब तक जब तक वो बॉयल ना हो जाए, रिमूव द कैटल फ्रॉम फायर, फिर हम उसको चूल्हे से उतार लेंगे कैटल को, और फिर ये एंड हो जाएगा, इस तरह चाय बन जाएगी। द अबव सेट ऑफ स्टेप्स कैन बी कॉल्ड एन एल्गोरिदम फॉर टी प्रेपरेशन। जो अभी हमने ऊपर स्टेप्स पढ़े हैं ये तमाम के तमाम टी प्रेपरेशन के एल्गोरिदम कहलाएंगे, ये तमाम के स्टेप्स मिलके। वी कैन आल्सो सॉल्व सर्टन प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर। हम कुछ प्रॉब्लम्स को कंप्यूटर की मदद से भी हल कर सकते हैं। फॉर दैट पर्पज़, इस मकसद के लिए, वी फर्स्ट फॉर्मुलेट एन एल्गोरिदम फॉर द प्रॉब्लम एंड देन ट्रांसलेट दैट एल्गोरिदम इनटू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर। इसके लिए सबसे पहले हम एक एल्गोरिदम बनाएंगे, और एल्गोरिदम बनाने के बाद उस एल्गोरिदम को ट्रांसलेट करेंगे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अंदर कंप्यूटर के लिए। फॉर्मुलेट से मुराद है बनाना, मेक, वी फर्स्ट मेक एन एल्गोरिदम, वी फर्स्ट फॉर्मुलेट एन एल्गोरिदम, ये इससे मुराद है। यूजुअली एन एल्गोरिदम टेक्स एन इनपुट एंड देन आफ्टर प्रोसेसिंग प्रोड्यूसेस सम आउटपुट एज शोन इन फिगर 1.6। आमतौर पर एक एल्गोरिदम जो होता है ये इनपुट लेता है, इनपुट लेने के बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है और एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है, जैसे कि आपको फिगर 1.6 में दिखाया गया। अब ये फिगर 1.6 आ जाएगी, सॉरी ये वन, जी बिल्कुल अभी आपको नज़र आ जाती है फिगर 1.6, और वेट करें। रोल ऑफ एल्गोरिदम्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। An algorithm has a vital role in problem solving as it provides a step by step guide to the problem solver. जो algorithm है ये vital role play करता है, यानी कि main role play करता है problem solving के अंदर, क्योंकि ये क्या provide करता है, हमें step by step guide देता है हमें problem solver को, जिसने problem को solve करना है उसको ये step by step guide provide करता है algorithm, इसलिए ये problem solving के अंदर vital role play करता है। इट इज़ अ कम्प्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोल्यूशन, ये सोल्यूशन का मुकम्मल डिस्क्रिप्शन है। यूजअली अ कंप्यूटर प्रोग्रामर फर्स्ट राइट्स एन एल्गोरिदम एंड देन ट्रांसलेट्स इट इनटू द कोड ऑफ सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आम तौर पर जो कंप्यूटर प्रोग्रामर है, जो प्रोग्रामिंग करता है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए सॉफ्टवेयर बनाता है, वो सबसे पहले एल्गोरिदम बनाता है, उस एल्गोरिदम को ट्रांसलेट करता है उस कोड के अंदर जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का होता है। समटाइम्स द डिज़ाइनर ऑफ द प्रोग्राम फर्स्ट मेक्स अ फ्लो चार्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड देन इनकोड्स द फ्लो चार्ट इन टू एल्गोरिदम। और बाज़ अवकात ऐसा भी होता है, जो प्रोग्रामर होता है या जो डिज़ाइनर होता है, प्रोग्राम को डिज़ाइन करने वाला होता है, जो प्रोग्राम बनाता है, वो सबसे पहले फ्लो चार्ट बनाता है, फ्लो चार्ट बनाने के बाद उसको कन्वर्ट करता है एल्गोरिदम के अंदर। फिगर 1.8 शोज द रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो फिगर 1.8 है, या वो क्या शो करेगा, एल्गोरिदम का रोल शो करेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। सबसे पहले देखें, ये प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम को सॉल्व, प्रॉब्लम से हमने क्या बनाया, फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट से हमने अपना एल्गोरिदम, और एल्गोरिदम से हमने कंप्यूटर प्रोग्राम बना लिया।
ये हमारा आज का टॉपिक था, इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।